हेलो किड्स, हाउ आर यू। चलो आज अपने फिर से स्टडी की ओर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? कर्सिव राइटिंग। यस, आज हमें कौन सा सब्जेक्ट करना है? इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग। तो आपके पास ये वाली बुक है ना, तो आप ये वाला पेज टर्न करो और ये वाला पेज निकालो। कौन सा पेज आपको निकालना है? 1616। कौन सा पेज निकालना है? 1616। तो ये वाला आज का हमारा क्या है? ये वाला है कर्सिव डी। कौन सा लेटर है ये? कर्सिव डी। तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी रहेगी। और ये है हमारा क्लास वर्क। क्या है ये? क्लास वर्क यानी कि CW। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने तो स्मॉल कर्सिव ए लिखा ही है, तो उसी तरह से ये कर्सिव डी लिखना है। किस तरह से आपको लिखना है चलो देखते हैं। आपको ऐसा स्लैंटिंग लाइन करना है, टर्न देन कम डाउन साइड एंड गो अप साइड, स्टैंडिंग लाइन एंड देन अगेन कम डाउन साइड एंड टर्न। तो ये बन गया हमारा कर्सिव डी। कौन सा है ये? कर्सिव डी। चलो अपने स्टार्ट करते हैं किस तरह से लिखना है। ये जो सारे ट्रेसिंग है ना, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको आ जाएगा, फिर आप अपने नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्या है? ऐसा स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, आपको ये ट्रेसिंग में करना है, तो आपको आपके हैंडराइटिंग अच्छी तरह से आ जाएंगे। फिर ये क्या है? स्लैंटिंग लाइन एंड देन टर्न एंड देन डू सी, कर्सिव सी जैसा आपको करना है। आप लोगों ने तो किया हुआ ही है पहले से, कर्सिव ये आ गया ना आपको। अगेन स्लैंटिंग लाइन देन टर्न कम डाउन साइड एंड गो अप साइड, अगेन कम डाउन साइड एंड टर्न। ये बन गया हमारा कर्सिव डी। फिर क्या है? अगेन स्लैंटिंग लाइन एंड देन टर्न सी बनाओ, गो अप साइड एंड अगेन कम डाउन साइड एंड डू कर्सिव डी। टर्न कर देना है। ठीक है, आपको हैंड अप नहीं करना है। ठीक है, कर्सिव में हमें हैंड अप नहीं करनी होती है। अगेन स्लैंटिंग लाइन टर्न डू द सी, कर्सिव सी गो अप साइड एंड देन कम डाउन साइड एंड देन टर्न कर्सिव डी। ठीक है, हमें इस तरह से ये लाइन पूरा कंप्लीट करना है। चलो फिर से कैसे लिखना है देखते हैं। स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, फिर अगेन स्लैंटिंग लाइन एंड देन डू द सी पोर्शन, अगेन डू स्लैंटिंग लाइन टर्न कम डाउन साइड गो अप साइड कम डाउन साइड एंड द स्लैंटिंग लाइन, अगेन डू टर्न कम डाउन साइड डू सी गो अप साइड देन कम डाउन साइड एंड देन टेक आउट इज टेल, यानी कि इसकी पुछड़ी निकल रही है ना, तो हमें ऐसा टेल जैसा बना देना है। ठीक है, अगेन डू कर्सिव सी जैसा बनाना है, गो अप साइड एंड देन दिस। ओके, तो ये बन गया हमारा कर्सिव डी। ओके, चलो अब सारे ट्रेसिंग करते हैं। इस तरह से आपको ट्रेसिंग करते जाना है। डी फॉर क्या होता है? ये क्या है? डी फॉर डॉग। क्या है ये? डी फॉर डॉग। ठीक है, फिर क्या होता है? डी फॉर डक, डी फॉर डोर और डी फॉर डॉल्फिन। ठीक है, तो हमें इसी तरह से पूरा पेज कंप्लीट करना है। ये पहले पूरा ट्रेसिंग फिनिश करना है आपको, और इस तरह से पूरा डी फिनिश करना है। ठीक है, स्लैंटिंग लाइन एंड देन डू कर्व एंड देन डू सी गो अप साइड कम डाउन साइड एंड देन टेक आउट इज टेल, स्लैंटिंग सी कर्व देन कम डाउन साइड एंड गो अप साइड कम डाउन साइड एंड टेक आउट इज टेल। ये हमारा क्या बन रहा है? कर्सिव डी। क्या बन रहा है? कर्सिव डी। डी फॉर डक, डी फॉर डॉग हमने लिख लिया है, डी फॉर डक, डी फॉर डोर, डी फॉर डॉल्फिन। तो ये क्या बन रहा है हमारा? कर्सिव डी। क्या बन रहा है हमारा? कर्सिव डी। ठीक है, आपको इस तरह से धीरे धीरे करके ये पहले ट्रेसिंग फिनिश करनी है। ठीक है, अब जितना ट्रेसिंग करोगे उतने आपके डी में अच्छे हैंडराइटिंग आएंगे। ठीक है, आपको नीट एंड क्लीन करके ये कंप्लीट करके फिर लिखना है। ठीक है, कर्सिव डी। देखो कैसे आप करेंगे,
ऐसा करना है, टर्न देन कम डाउन साइड, सी बना, गो अप साइड, देन अगेन कम डाउन साइड एंड टर्न। तो ये हमारा बन गया, क्या बना? कर्सिव डी। यस, अगेन डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर एंड डी फॉर डॉल्फिन। आता है ना आपको, स्मॉल जिसको कर्सिव ए आ गया उसको डी लिखने में एकदम इजी होगा, उसको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, कर्सिव डी। पहले सी बनाना है, देन गो अगेन अपसाइड एंड देन टर्न, कर्सिव डी। क्या बन रहा है ये हमारा, कर्सिव डी। ओके, तो ये कौन सा है, बेबी वाला डी है। कौन सा वाला डी है, बेबी वाला। कौन सा है, बेबी वाला। यस, तो टर्न एंड गो अपसाइड, कम डाउन साइड एंड देन टर्न। तो ये क्या बन रहा है हमारा, कर्सिव डी। क्या बन रहा है, कर्सिव डी, स्लैंटिंग लाइन एंड देन मेक अ सी एंड देन गो अपसाइड एंड कम डाउन साइड एंड टर्न। तो ये हमारा क्या बन रहा है, कर्सिव डी, कर्सिव डी बन रहा है। ठीक है, डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर एंड डी फॉर डॉल्फिन। मेक स्लैंटिंग लाइन, सी बनाओ फिर ऊपर जाओ, कम डाउन साइड एंड देन टेक आउट इज टेल, कर्सिव डी। क्या है ये, कर्सिव डी। आपको याद रखना है कि कर्सिव में आपको हैंड अप नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से लिखने ही जाना है। ठीक है, ब्लू लाइन से स्लैंटिंग लाइन एंड देन कर्व एंड देन कम डाउन साइड, गो अप साइड, कम डाउन साइड एंड मेक अ कर्सिव डी। तो यहाँ पे देखो हमारा ट्रेसिंग पथ गया। अभी हमें ये तीन लाइन में लिखते जाना है, किस तरह से स्लैंटिंग, टर्न, कम डाउन साइड, गो अप साइड एंड देन ब्रिंग आउट इज टेल। तो इस तरह से हमें कर्सिव डी पूरा कंप्लीट करना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। ठीक है, आप जितना नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग निकालोगे कर्सिव में उतना ही अच्छा दिखेगा। ठीक है, आप स्लोली स्लोली, जिसको नहीं आता वो पहले ट्रेसिंग वाले में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करे। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, कर्सिव डी। क्या बन रहा है, कर्सिव डी। ठीक है, तो आपको इस तरह से स्लैंटिंग देन मेक अ सी, गो अप साइड, कम डाउन साइड एंड टेक आउट इज टेल। तो इस तरह से आपको कर्सिव डी कंप्लीट करते जाना है ना। देखो बहुत ही इजी है, इस तरह से बनाना है, गो अप साइड, कम डाउन साइड एंड देन टेक आउट इज टेल। तो इस तरह से कर्सिव डी आपको बनाते जाना है, ब्लू लाइन से रेड लाइन तक ही होगा, डाउन साइड नहीं आना है आपको। ठीक है, ये हमारा बन गया कर्सिव डी। तो ये क्या था, कर्सिव डी, स्मॉल वाला, बेबी वाला। और ये साइड में ये वाला क्या है, पेज 1717, ये वाला आपका क्या है, एच डब्ल्यू। क्या है, एच डब्ल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, डी फॉर क्या है, डियर एंड डी फॉर डॉल। ठीक है, तो ये हमारा कर्सिव डी कंप्लीट हो गया है। ओके, बाय।